2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो नया यात्रा सियासी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और उत्तर प्रदेश की कुछ खास सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। आखिर कौन सी है वो सीटें जिन पर कांग्रेस अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश की अहम सीटों पर निशाना साधने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते न्याय यात्रा का रूट 3 बार बदल चुका है। बीते शनिवार को वाराणसी पहुंची ये यात्रा भदोई होते हुए प्रयागराज पहुंचनी थी, जो राहुल गांधी के अचानक वायनाड चले जाने की वजह से अब वह सीधे प्रयागराज पहुंचेंगे। इसके बाद आगे का रूट भी बदल गया है। जहां पहले वो कानपुर से हमीरपुर होते हुए झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश जा रहे थे, उसे अब कानपुर में 2 दिन के विश्राम दिया गया है। कानपुर में यात्रा 21 फरवरी को पहुंचेगी, 22 और 23 फरवरी को विश्राम रहेगा और फिर यात्रा 24 से अल्पसंख्यक बहुल मुरादाबाद संभल के रास्ते आगरा होते हुए राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी। वहीं बुंदेलखंड के बजाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा ले जाने के पीछे सियासी रणनीति बताई जा रही है, क्योंकि पार्टी नेताओं का मानना है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में न्याय यात्रा के जाने से वहां के लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा। इस यात्रा को लेकर पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने जिन लोकसभा सीटों को पहली प्राथमिकता में रखा है, उनमें राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को ले जाने से ज्यादा सियासी फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि वाराणसी भदोई के बाद प्रयागराज को जोड़ा गया है। इस यात्रा के दौरान अमेठी और रायबरेली में पर्याप्त समय तय किया गया है और लखनऊ के बाद उन्नाव के रास्ते कानपुर को कवर किया जा रहा है। मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस और आगरा पर भी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि इन लोकसभा क्षेत्रों से यात्रा को ले जाने की योजना बनाई गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।